हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर मैकेनिकल फिटर। जी हाँ, मैकेनिकल फिटर के लिए टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ टू कैलकुलेट साइज ऑफ स्पैनर फॉर अ बोल्ट, यानी किसी भी बोल्ट का पाने का साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जितने का भी आपका बोल्ट हो, जितने एमएम का, जैसे 12 एमएम का है तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। 1.5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जैसे आप पे आ गया 18, तो 18-19 का पाना लगेगा, यानी 18 वाला जो साइज है वो लगेगा। जितने का भी बोल्ट हो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। विच इक्विपमेंट इज यूज टू मेजर इंटरनल क्लियरेंस ऑफ बेयरिंग, बेयरिंग के इंटरनल क्लियरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है? तो फिलर गेज का इस्तेमाल होता है, फिलर गेज को ही यूज किया जाता है बेयरिंग के इंटरनल क्लियरेंस को मेजर करने के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बेयरिंग्स, बेयरिंग्स कितने प्रकार के होते हैं? तो बेयरिंग्स मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्रिक्शन बेयरिंग, एक होता है एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। फ्रिक्शन बेयरिंग में बुश वाला बेयरिंग होता है जिसमें कोई भी रोटेटिंग इक्विपमेंट, मतलब रोलिंग इक्विपमेंट नहीं होते हैं, जबकि एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग्स होता है जैसे कि बॉल बेयरिंग हो गया, रोलर बेयरिंग हो गया, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, ये सारे एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग है। जबकि फ्रिक्शनल बेयरिंग बुश बेयरिंग को कहा जाता है जिसमें सिर्फ बुश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं, विच बेयरिंग आर यूज्ड फॉर हाई आरपीएम, हाई आरपीएम के लिए कौन सी बेयरिंग का इस्तेमाल होता है? तो हाई आरपीएम के लिए बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल होता है और बॉल बेयरिंग ही इसीलिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई गियर बॉक्स इज यूज्ड, गियर बॉक्स को किस लिए यूज किया जाता है? तो गियर बॉक्स का मेन काम होता है वो आउटपुट स्पीड को रिड्यूस करता है, यानी कि जो मोटर से हायर स्पीड जो आता है उस स्पीड को वो कम कर देता है आरपीएम को, और टॉर्क को बढ़ा देता है जिससे कि लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी के ऊपर रहेगा, गियर बॉक्स के ऊपर, वहां पे आपको कैलकुलेशन बताऊंगा छोटा सा। व्हाट इज आउटपुट स्पीड ऑफ गियर बॉक्स, किसी भी गियर बॉक्स का आउटपुट स्पीड कितना होगा उस गियर बॉक्स का जिसका गियर रेशियो 40:1 है और उसमें एक मोटर लगा हुआ है जिसका आरपीएम है 1440 आरपीएम। तो दोस्तों सिंपल है, जितना भी आरपीएम मोटर का होगा उसको जितना गियर रेशियो रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे तो गियर बॉक्स का आउटपुट शाफ्ट का आरपीएम निकल जाएगा। यहाँ पे 1440 मोटर का आरपीएम है और 40:1 का गियर बॉक्स है, तो हम 40 से डिवाइड कर देंगे मोटर के आरपीएम को। तो मोटर का इनपुट आरपीएम 1440 है, उसको 40 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ पर 36 आरपीएम, यानी गियर बॉक्स का जो आउटपुट है वो 36 आरपीएम में घूमेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे आपको और प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको मिल जाएंगे।